नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। दुनिया के किसी भी देश में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप किसी दूसरे देश में ड्राइविंग करना चाहते हैं तो जनाब परेशान मत होइए, क्योंकि दुनिया के 15 देश ऐसे हैं जहां पर भारत का बना ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है। आज अपनी स्टोरी में हम आपको उन 15 देशों के नाम बताएंगे जहां जाकर आप भारत के ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलाने का मजा ले पाएंगे। अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में अधिकांश राज्य आपको भारतीय डीएल के साथ किराए की कार चलाने की अनुमति देते हैं। यहाँ पर आप एक साल की अवधि के लिए भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपके सभी दस्तावेज सही होने चाहिए। कनाडा। अगर आप कनाडा में जाकर गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं तो वहां भी भारत का ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है, लेकिन यहां ड्राइव करने से पहले आपको याद रखना होगा कि कनाडा में भारत के विपरीत सड़क के दाईं ओर ड्राइव करते हैं। भारतीय डीएल कनाडा में 60 दिनों के लिए वैध होता है। इसके बाद कनाडा में कार चलाने के लिए आपको कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। जर्मनी। जर्मनी में भी आप भारतीय लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन केवल 6 महीने तक। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जर्मनी के ट्रैफिक नियमों का पालन सही से करेंगे, क्योंकि जर्मनी में सड़क के दाईं ओर ड्राइव करते हैं। स्पेन। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप 6 महीने तक स्पेन की सड़कों पर भी मजा ले सकते हैं। इसके लिए बस शर्त यह है कि आपका डीएल अंग्रेजी में होना चाहिए, साथ ही स्पेन में आपको एक आईडी प्रमाण पत्र भी साथ रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया। आप भारत के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी 3 महीनों की अवधि के लिए न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका लाइसेंस अंग्रेजी में। यहाँ कोई भी भारतीय भाषा मान्य नहीं। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की सड़कों पर भी आप भारतीय डीएल से ड्राइव कर सकते हैं। यूके में आप 1 साल की अवधि के लिए अपने भारतीय डीएल के साथ इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड की सड़कों पर गाड़ी चला सकते हैं। न्यूजीलैंड। आप 1 साल की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में अपने भारतीय डीएल का उपयोग करके ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। यहाँ भारत की तरह ही सड़क के बाईं ओर ड्राइव किया जाता है, लेकिन शर्त है कि आपका लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भी भारतीय लाइसेंस 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है, बस शर्त यहाँ भी ये है कि आपका लाइसेंस अंग्रेजी में हो। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भी आप अपने भारतीय डीएल के साथ कार चला सकते हैं। इस देश में भी आपका लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। हांगकांग। आप हांगकांग में भारतीय लाइसेंस से 1 साल तक के लिए कानूनी रूप से कार चला सकते हैं। स्वीडन। स्वीडन में कार चलाने के लिए आपका डीएल अंग्रेजी, स्वीडिश, जर्मन, फ्रेंच या नॉर्वे में होना चाहिए, साथ ही आपके पास एक स्वीकृत आईडी होनी भी जरूरी है। यहाँ पर भारतीय लाइसेंस की वैधता 1 साल होती है। फिनलैंड। फिनलैंड में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता होती है, और बीमा के आधार पर आपका भारतीय डीएल 6 से 12 महीनों के बीच वैध होता है। सिंगापुर। सिंगापुर में आप भारतीय लाइसेंस से 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं, बस जरूरी यह है कि आपकी उम्र गाड़ी चलाने के लिए 18 साल होनी चाहिए। शर्त यहाँ भी यह है कि आपका डीएल अंग्रेजी में हो। मलेशिया। मलेशियाई सड़कों पर ड्राइव करने के लिए आपका भारतीय डीएल अंग्रेजी में या फिर मलय भाषा में होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर भारतीय दूतावास द्वारा पुष्टि की जरूरत भी होती है। भूटान। भारतीय नागरिक अपने भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भूटान में 4 पहिया या 2 पहिया वाहन चला सकता है, बस जरूरी है कि आपके पास देश भर में वाहन चलाने के लिए वाहन परमिट होना चाहिए। तो आप भारत के ड्राइविंग लाइसेंस से इन 15 देशों में गाड़ी चला सकते हैं। आपका हमारी इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।